बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र आजाद कश्मीर में लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस सर उठाने लगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वार्निंग जारी कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुसद्दका केसेस की तादाद 3,14,616 जबकि 6,513 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदादो शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से पाकिस्तान के सूबा सिंध में 1,38,050, पंजाब में 99,812, बलूचिस्तान में 15,371, खैबर पख्तूनख्वा में 37,973, गिलगित बल्तिस्तान में 3,828, इस्लामाबाद में 16,766 और आजाद कश्मीर में 2,816 मरीजों में वायरस की मुसद्दका तस्दीक हुई है। दोस्तों, सिंध में मूजी मर्ज से 2,520, पंजाब में 2,240, खैबर पख्तूनख्वा में 1,260, इस्लामाबाद में 183, गिलगित बल्तिस्तान में 88, बलूचिस्तान में 146 और आजाद कश्मीर में 74 अमवात हुई, जबकि 2,98,968 अफराद मौलिक वबा से मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुके हैं। दोस्तों, मुल्क भर में अब तक 36,44,762 टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 33,725 टेस्ट के दौरान 632 नए केसेस रिपोर्ट होने के साथ साथ 6 अमवात हुई हैं, जबकि मुल्क भर में इस वक्त 512 अफराद तश्वीशनाक हालत में हैं। दोस्तों, वाजरे के दुनिया भर में फैलने वाला कोविड-19 दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुतासर अफराद की तादाद 3,52,45,707 हो गई है, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से सेहत याब अफराद की तादाद 2,62,24,026 हो गई है। दोस्तों, ये तो है पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के अदाद शुमार। अब बात करते हैं आजाद कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से लॉकडाउन का फैसला क्यों किया गया है। दोस्तों, ये फैसला पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में कोविड-19 के दोबारा बढ़ते हुए मुतासरीन के सामने आने के बाद 4 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में वजीर आजम राजा फारूक हैदर की जेर सदारत एक आला सतह के इजलास में किया गया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी गुज़िश्ता रोज ट्वीट के जरिए मुल्क भर में मौसम सरमा के दौरान कोरोना की दूसरी लहर के खदशे का इजहार करते हुए अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया है। दोस्तों, इजलास में पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के मुजफ्फराबाद और रावलाकोट के इजलास में कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और मुतलका हुकाम को हदायत की गई कि वो लॉकडाउन नाफिज करने के अमल को यकीनी बनाए और 2 दिन के अंदर अंदर जामे रिपोर्ट और मौसर तजावीज पेश करें। दोस्तों, वाजरे के कोरोना वायरस पर पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक हालात अभी तक काबू में हैं, लेकिन अगर लोगों ने एहतियात ना की और केस बढ़े तो उस सूरत में दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ सकता है। दोस्तों, आजाद कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए, राजा फारूक हैदर का कहना है कि दुनिया की बड़ी मौशी ताकतें भी सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और तमाम वसाइल फराहम करने के बावजूद इस वबाई मर्ज के तबाहकुन असरार पर काबू पाने में नाकाम रही है। हमारे पास वबाई मर्ज से निमड़ने के लिए महदूद वसाइल हैं, लिहाजा हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हम तमाम तबकात उसूली तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हों। दोस्तों, आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने खित्ते के दाखिली मुकामात पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ तालीमी इदारों, दफातर और बाजारों में एहतियाती जाबता कार SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हदायत करते हुए मजहबी इजतमात के साथ सियासी और समाजी इजतमात को भी महदूद करने का कहा है, ताकि वायरस को रोकने में मदद मिले। दोस्तों, आला सतह के इजलास में ये फैसला भी किया गया कि घर से बाहर और दफ्तर में मास्क की मुकम्मल पाबंदी करवाई जाए और खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया जाए। दोस्तों, वाजिर है कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में भी कोरोना वायरस में इजाफे के बाद कराची के 5 इजला में 15 रोज के लिए माइक्रो लॉकडाउन नाफिज किया गया। पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत लोगों को दरपेश मुश्किल से पूरी तरह बचाने के लिए कोशा है। उनका कहना था कि लोगों को ये याद दिलाने के लिए एक नई मुहिम चलाने की जरूरत है कि पाबंदियों का नफाज हमारे अपने मुफाद में है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम के तर्जुमान राजा वसीम का कहना है कि खित्ते के तमाम महकमाजात के सरबराहान को हदायत की गई है कि 2 दिन के अंदर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और रियासत में जुज़वी या मुकम्मल लॉकडाउन करने के बारे में तजावीज दें। उनके मुताबिक तमाम खारजी और दाखिली रास्तों, तमाम सरकारी और निजी इदारों और तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद
یقینی بنانے کے متعلق ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ دوستو ان کا کہنا تھا کہ خطے میں نجی اور سرکاری اداروں سمیت عوام کرونا کے مروجہ احتیاطی ضابطہ کار پر عمل نہیں کر رہی، نہ ماسک کا استعمال ہو رہا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلے اختیار کیے جا رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کرونا ختم ہو گیا ہے۔ دوستو یاد ہے کہ گزشتہ ماہ مختلف سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ متعدد محکمہ جات میں کرونا کے متاثرین سامنے آنے کے بعد انہیں سیل کیا گیا تھا، جبکہ آج بھی محکمہ لوکل گورنمنٹ میں کرونا متاثرین سامنے آنے کے بعد اسے عارضی طور پر بند کیا گیا ہے۔ دوستو آزاد کشمیر کے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق خطے میں کووڈ-19 کے مریضوں کا تناسب 8.30% ہے، جو کہ پاکستان کے کسی بھی دوسرے صوبے سے زیادہ ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں اب تک 48,941 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور مجموعی طور پر 2,862 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ خطے میں وائرس کے باعث ہلاکتوں کی کل تعداد 76 ہے، جبکہ 2,431 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ دوستو الحمدللہ پاکستان کے اندر کرونا کی پہلی لہر اندازوں سے کہیں زیادہ کم نقصان دہ ثابت ہوئی، اور اب حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے جو بزنس کھولے جا رہے ہیں کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل کیا جائے، اگر عمل نہ کیا گیا تو دوبارہ سے لاک ڈاؤن کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ شادی ہال اور ریسٹورنٹ کرونا کے پھیلاؤ کے بڑے مرکز بن رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈر آپریشن سینٹر کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں این سی او سی کو ملک بھر میں کرونا کے پھیلاؤ سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو دی گئی بریفنگ میں کہا گیا کہ سماجی فاصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے کرونا دوبارہ پھیل رہا ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات انتہائی ضروری ہیں اور ماسک کا استعمال کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے سے موسم سرما میں کرونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ شادی ہالز اور ریسٹورینٹس کرونا کے پھیلاؤ کے بڑے مرکز بن رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈر آپریشن سینٹر کی جانب سے کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے والے سینٹر کے مطابق ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے پر تعلیمی اداروں کی تعریف کی گئی۔ دوستو یاد رہے کہ آج بھی پاکستان میں کرونا کی وجہ سے 4 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ آمین سم آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔